नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? टेक गैजेट में आपका स्वागत है। तो अगर आपको आजकल घर में काम करवाना है तो अच्छे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अच्छा टूल्स मतलब जो भी आपके काम को आसान बनाता है। तो आज मैं एक ऐसे टूल सेट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके सारे काम को आसान कर देगा। ये एक स्क्रू ड्राइवर सेट है जो अमेजोन से आप खरीद सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ क्लिक करके खरीद सकते हैं। ये है बॉश का गो स्क्रू ड्राइवर सेट। ये बहुत ही यूज़फुल आता है और इसमें बहुत सारे एडिशनल टूल्स आते हैं जो आपके घर के हर काम को, जैसे स्क्रू ड्राइविंग हो या ड्रिलिंग हो, सारे काम को ये आसान कर देता है। तो आज इसके अनबॉक्सिंग और इसके फीचर्स के बारे में देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आप आगे भी और अच्छे वीडियोस डालते रहें। तो चलते हैं वीडियो में। तो ये है वो बॉक्स जिसमें वो स्क्रू ड्राइवर सेट आता है। इसमें आगे आपको एक लॉक दिखेगा, इसको ओपन करने से आपको ये बॉक्स ओपन होगा। तो बॉक्स का बेसिकली कलर ब्लू होता है, तो सभी चीज़ों में वो ब्लू कलर के प्लास्टिक यूज़ करते हैं। तो पीछे इसमें कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, इसमें 3.6 वोल्ट्स का चार्ज होता है और कुछ फ़ोटोज़ दिए हैं जो इसके अंदर आते हैं, और इसमें एक हैंगिंग स्ट्रैप भी दिया हुआ है। तो हम बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या आता है। तो बॉक्स को खोलने से आपको सभी ऑर्गेनाइज पैटर्न में रखा रहता है। तो यहाँ पे एक चार्जिंग केबल मिलता है आपको, जिससे आप स्क्रू ड्राइवर को चार्ज कर सकते हैं। और ये ओपन करने से आपको 33 पीसेस का टूल सेट मिलता है, जिसमें सभी टाइप्स के स्क्रूज आप फिक्स कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। और उसके साथ एक कवर भी मिलता है जो बहुत हैंडी होता है और इसको सेफ रखता है। और यहाँ पे एक चार्जर मिलता है, चार्जर बॉश का ही चार्जर है। इसमें इनपुट 10 to 240 वोल्ट्स और 50-60 हर्ट्स और 150 mA का ये इनपुट लेता है और 5 वोल्ट्स 1 A का आउटपुट देता है। ये एसी अडैप्टर है, आप प्लग कर सकते हैं। उसके साथ ही केबल कनेक्ट करके आप इसको चार्ज कर सकते हैं। उसके साथ आपको मिलता है एक स्क्रू ड्राइवर सेट। तो स्क्रू ड्राइवर में ये बहुत हैवी स्क्रू ड्राइवर है और बहुत अच्छा बिल्ट है, लेकिन बहुत हैंडी होता है। और स्क्रू ड्राइवर का ओवरव्यू देखने से ऊपर आपको स्क्रू बिट कनेक्टर दिखता है और यहाँ पे बॉश का लोगो, और ये बटन है जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में आपको ये बिट घूमता है। और बीच में रखने से आप मैनुअली स्क्रू को टाइट कर सकते हैं। यहाँ पे एक एलईडी इंडिकेटर मिलता है जो बैटरी का परसेंटेज या चार्ज दिखाता है। और यहाँ पे ग्रिप है जो आपको होल्ड करने में हेल्प करेगा। और यहाँ पे है टॉर्क लेवल, तो अगर आप 1 में रखेंगे तो मिनिमम टॉर्क मिलेगा और ये 6 तक जाता है। तो 6 देखने से आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, तो मैक्सिमम पावर मिलेगा। ये मैं बता रहा हूँ कि बहुत पावरफुल स्क्रू ड्राइवर है, ये कोई भी स्क्रू को रिमूव कर सकता है या डाल सकता है। और इसको आप बेसिक ड्रिलिंग पर्पज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप स्क्रू को आसानी से विदाउट होल के ड्रिल करके एक वुड या प्लास्टिक में एंटर कर सकते हैं। और ये है नीचे एक फ्लैप दिया है, यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट है USB, यहाँ पे कनेक्ट करके आप उसको चार्ज कर सकते हैं। और पीछे इसका रेटिंग भी दिया हुआ है, देखो 3.6 वोल्ट्स, और ये मैन्युफैक्चरिंग डेट दिया हुआ है और रॉबर्ट बॉश पावर टूल्स। बाद आपको नीचे मिलेगा इसका वारंटी इंफॉर्मेशन पेपर, वारंटी इंफॉर्मेशन और यूसेज मैनुअल, ये रख देते हैं। आप स्क्रू ड्राइवर को देखते हैं, तो स्क्रू ड्राइवर ऐसा रहता है। अगर आप इसको फ्रंट में करके प्रेस करेंगे तो एक क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर एक बैक में करके प्रेस करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो पिट को अटैच कीजिए, और यहाँ पे आप अगर प्रेस करेंगे ये कोई घूमेगा। तो ऐसे आप किसी भी स्क्रू को टाइटन या लूजन कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसके फिजिकल डेमो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।
वंदे मातरम, जय हिंद।